भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रयत्नशील देश हैं, और हम जैसे देश पर कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, संकल्प, और दूसरा, संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक, जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं,
इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकले। हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे, उस समय जब युद्ध की स्थिति होती थी तो गांव गांव ब्लैकआउट किया जाता था, शीशे पर भी कागज लगा दिया जाता था, बंद लाइट बंद रखी जाती थी, लोग रात भर चौकी करते थे। और युद्ध न हो तो भी साल में एक दो बार तो वहां के जो नगर पालिकाएं होती थी वो जागरूक होकर के ये ब्लैकआउट का ड्रिल भी करवाती थी, लोगों को आदत बनी रहे इसकी, इसके लिए प्रयास करती थी।